पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में शीतल जल एवं खाने को जरूर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। परदेशी पुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से उसने पहले कुछ गोलियां खाई, असर नहीं होने पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं पास नहीं हो पाई और मुझे पता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। जहर ने असर नहीं किया तो लगाई फांसी। जांच अधिकारी लक्ष्मी चंद्र पटेल के अनुसार छात्रा का नाम यशिका, पिता दीपेश केदारे, निवासी सर्वहारा नगर है। वो बड़वाहा स्थित सेंट्रल स्कूल में नवी कक्षा में पढ़ती थी। परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से उसने पहले कुछ गोलियाँ खाई, असर नहीं होने पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है, सॉरी मम्मी पापा, मैं पास नहीं हो पाई और मुझे पता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपको पता चलता उससे पहले मुझे पता चल गया कि मैं फेल हो गई हूँ। मैं ये सोचकर डर रही हूँ, मैंने गोली भी खाई थी, मैं मर जाऊँ पर उससे कुछ नहीं हुआ। मम्मी मैं ना पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ और काम में आप अच्छे हो। ये भतीजी है मेरी। क्या साल करीब नाम था? यशिका, यशिका केदारे। क्या कारण सामने आया सर? सर नाइन्थ क्लास में सप्लीमेंट्री अगर आई है उसको बता रही है। सप्लीमेंट्री की वजह से डिप्रेशन? हाँ। क्या परिवार के लोगों ने कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। डाटा आता या इस तरह से? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, परिवार वाले ऐसा तो कुछ नहीं। डिप्रेशन के चलते? आपका नाम? आपका नाम? प्रतिका यासिंगा, पिता दीपेश केदारे, जाति मराठा, उम्र 15 साल, निवासी 11/1 सर्वहारा नगर इंदौर। के मार्ग की सूचना प्राप्त हुई थी। मार्ग क्रमांक 20/23 धारा 174 जाता भोरे का कायम कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान मतिका के रूम से सुसाइड नोट मिला है। उसमें मतिका कक्षा नवी में फेल होने का कारण दर्शाया गया है। आगे जांच जारी है, जो भी कारण आएगा। पीएम के बाद ASI लक्ष्मीचंद पटेल, थाना परदेशपुरा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।